प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि अरशद मदनी को बुढ़ापे में चढ़ा है गजवा हिंद का चस्का। तो इसी पे आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी का मुंह तोड़ जवाब। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इससे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। मतलब शेमफुल इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, और अब ये खुल्लम खुल्ला गजवाए हिंद बोल रहे हैं, वो भी यूपी में बैठकर। इनको डर नहीं लग रहा है योगी आदित्यनाथ का? नहीं, इनको डर नहीं लग रहा है। इनको डर इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि घाटकोपर से जब सलमान अजहरी अरेस्ट हुआ और उसके बाद फिर बेल मिल गया, तो इसका डर खत्म हो गया। उसके बाद फिर एक तौकीर रजा, उसने प्रियंका वाड्रा से मिल करके जो हड़कंप मचाया, जो टेररिज्म एक्टिविटीज फैलाया पैसा लेकर के, उसके बाद भी उसका बेल हो गया, ये डर खत्म हो गया, निकल गया। हर रोज कोई ना कोई एटीएस जो है, कभी दिल्ली से, कभी यूपी से, कभी बंगाल से, कभी हैदराबाद से, किसी ना किसी को अरेस्ट कर रहा है, और उसके लिंक देवबंद से और पाकिस्तान से नजर आ रहे हैं, लेकिन उसको बेल मिल जा रहा है। तो यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि इनका डर निकल चुका है। मैं चाहती हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सलमान अजहरी के कई ऐसे दस्तावेज मिले थे बॉम्बे पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को भी और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी, जिसमें पाकिस्तान से लिंक पाए गए थे फंडिंग, उसको दोबारा अरेस्ट किया जाए। उसके बाद फिर तौकीर रजा को भी दोबारा अरेस्ट किया जाए, और दारुल उलूम के सिर्फ वेबसाइट को बैन ना किया जाए, बल्कि पूरे दारुल उलूम पर बुलडोजर कार्यक्रम हम लोग बहुत जल्द देखना चाहेंगे। जी, एनसीपीसीआर, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इन्होंने एफआईआर कर दी है ऑलरेडी इनके ऊपर में, और जिस तरीके की वो संज्ञान लेकर आए, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इनका जो मेन बिजनेस है वो है मदरसास, जिसमें एक मेजोरिटी आता है इलीगल मदरसास। उसका पैसा कहाँ से आता है? आला ताला ऊपर से भेजते हैं फिर, या फिर मतलब उन्होंने कहीं पर एक खजाना गार्ड कर रखा हुआ है जहां से ये लोग निकाल कर आते हैं, आई डोंट नो, बट NCPCR का इस वक्त इस पे एक्शन आया हुआ है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट को और भी पहले ये संज्ञान लेना चाहिए था, क्योंकि मदरसे के अंदर अनल सेक्स होता है, मोलेस्टेशन होता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ मोलेस्टेशन होता है, उसके बाद फिर बच्चों को मारा पीटा जाता है। हाफिज जी जो है वो छड़ी लेकर के, वो पूरा सरसों का तेल लगा करके छड़ी लेकर के ही बैठते हैं, जहां एक तरफ चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत स्कूल और जितने भी हमारे एकेडमिक स्कूल हैं, कॉन्वेंट स्कूल है, वहां पर गैजेट इशू किया गया है कि बच्चे को आप जोर से झाड़ भी नहीं सकते हैं, आप डांट भी नहीं सकते हैं, आप बच्चे पर चिल्ला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको एंटरटेन कर करके एडुकेशन दीजिए, उनके साथ फ्रेंड बन करके आप उनको एडुकेट कीजिए, उनको आप पढ़ाइए। और वहीं पर ऑन दी अदर हैंड, मदरसे में अगर बच्चा पैजामा नहीं खोलता है सेक्स के लिए हाफिज जी के सामने, तो भी उनको छड़ी पड़ती है। बच्चा अगर जिहाद की बातों को एक्सेप्ट नहीं करता है तो भी छड़ी पड़ती है। गजवाए हिंद के नाम पर हिंदुओं के प्रति अगर बच्चे के अंदर नफरत नहीं आती है तो भी उनको छड़ी पड़ती है। मुसलमान बेटियां, बच्चियां छोटी छोटी अगर अपनी चड्डी नहीं उतारती है तो भी उनको छड़ी पड़ती है। अगर सूरतें और सूरह याद नहीं होता है तो भी उनको छड़ी पड़ती है। तो इन तमाम सूरतों में मदरसे के अंदर छड़ी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट को बहुत पहले संज्ञान लेना चाहिए था, उनको उनसे देरी हुई है। यहाँ पर एक बुक निकाली गई है दारुल उलूम में, जिसका नाम है बहिश्ती जेवर, पीकुलियर पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ मेन एंड वुमेन बाय मौलाना अशरफ अली थनवी, हु इज कंसिडर्ड अ हाई अथॉरिटी बाय सुन्नी इस्लाम। आपको पता है इस बुक में क्या क्या लिखाया गया? ओ माय गॉड नाज़िया खान जी, बहिश्ती जेवर बेसिकली मुसलमान औरतों, महिलाओं और लड़कियों के पैर में मोटे मोटे जंजीर बांधने के लिए बनाया गया है। मैंने पूरी बहिश्ती जेवर पढ़ी है और अपने आप को समझाने के लिए ही पढ़ी है कि आखिर बहिश्ती जेवर सिर्फ औरतों को ही उसके निकाह के वक्त उनके माँ बाप क्यों देते हैं। तब मैंने जब उसको पढ़ा और तब मुझे समझ में आया कि औरतें क्या क्या नहीं कर सकती है। मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मैंने काफी चीजें आपके चैनल के माध्यम से बताया हुआ है व्यूअर्स को। बहिश्ती जेवर इज पर्टिकुलरली रिटन अगेंस्ट वुमेन। औरतों को उनकी आजादी छीना कैसे जा सकता है इस्लाम के नाम पर, औरतों को आवारा कैसे साबित किया जा सकता है इस्लाम के नाम पर,
औरतों को सेक्सुअली यूज और मिसयूज कैसे किया जा सकता है इस्लाम के नाम पर, औरतों को हिजाब जैसे टेंट में पैक करके उनका हलाला कैसे कराया जा सकता है इस्लाम के नाम पर, निकाह मसियार के नाम पर छोटी छोटी बच्चियों को यात्री निकाह में कैसे लिया जा सकता है इस्लाम के नाम पर, निकाह मुत्ता के नाम पर 5 साल की बच्ची के साथ भी प्लेजर ऑफ सेक्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कैसे मर्द कर सकते हैं, उसके बाद कन्वर्शन कैसे कराया जा सकता है, यही सारी चीजें बहिश्ती जेवर में लिखी हुई हैं जो महिलाओं को सेक्स इन इस्लाम, एवरीथिंग अबाउट सेक्स, आई मीन डैम इट, मुझे सुनते हुए भी घिन आती है, मतलब पता नहीं कैसे लोग, कैसे लड़कियां इसको जीती हैं, एवरीथिंग अबाउट सेक्स, एवरीथिंग अबाउट गजबाई हिंद, मतलब तुम मतलब तुमको बस एक छेद दिखना चाहिए और उसके अंदर घुस जाओ, वो कहीं का भी छेद हो, दीवार में भी छेद होगा शायद वहां पर भी घुस जाओगे, गाय भैंस बकरी ये सब तो छोड़ा नहीं। दिस इज आपको न्यूज नहीं पता है कि पश्चिम बंगाल में हावड़ा में गाय को जबा करने से पहले स्लॉटर हाउस में वो लोग सेक्स करते थे गाय के साथ, वो न्यूज आया था आई थिंक 2017 और 18 का न्यूज है, अगर गूगल में सर्च किया जाएगा तो वो न्यूज पूरा मिल जाएगा आर्टिकल। स्पीचलेस नाजिया, अब घिन आती है इन टॉपिक्स को कवर करते हैं, मैं ऑनेस्टली बोलूं, बट अगर कवर ना करें तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि एक क्या चलकर उनकी तरफ आ रहा है, क्या चलकर उनकी तरफ आ रहा है, मतलब सिर्फ एवरीथिंग अबाउट सेक्स एंड वायलेंस बस इनको ये मतलब एवरीथिंग अबाउट जस्ट वन थिंग, मैं अगर लड़कियां नहीं मिलेंगी तो गाय भेड़ बकरी गाय मतलब जो भी मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा तो शायद दीवार में ही घुस जाएंगे ये लोग। अब ये गजबाई क्या उखाड़ना चाहते, इन्होंने क्या उखाड़ लिया, 54 कंट्रीज तो बना ली, क्या बना लिया वहां पर एक्सेप्ट फॉर वॉर, और एक मेंटालिटी है नाजिया अगर आप देखो, एक मेंटालिटी है इनकी, एक बहुत सेट मेंटालिटी है, हरी भरी खुशहाल जगह जाएंगे, डेवलप्ड एरियाज में जाएंगे, पैरासाइट की तरह चूस जाएंगे उसको और फिर उसको रेगिस्तान बंजर बनाकर फिर दे विल मूव ऑन टू अनदर कंट्री। इसलिए इनका नाम टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, इसलिए तो इनका नाम टुकड़े टुकड़े गैंग है, भाई चले जाओ अगर तुमको इस्लामिक देश में रहना है तो पूरा 57 इस्लामिक देश है, चले जाओ वहां रहो, क्यों घुसते हो डच में, क्यों घुसते हो इटली में, क्यों एंटर करते हो भारत में, क्यों एंटर करते हो लंदन में, क्यों एंटर करते हो मॉरिशियस में, क्यों एंटर करते हो कनाडा में, मत एंटर करो। अरे मुझे जो चीज पसंद नहीं होगी मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं वहां जा करके उसको थोड़ा ही बंद करवाऊंगी, इट्स डजंट मेक सेंस ना, ये जा इसीलिए तो इनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है ना, ये टुकड़े टुकड़े गैंग बन करके हर वो जगह जाते हैं जहां इनकी मेजोरिटी कम होती है और तब फिर ये इस्लाम का प्रीच करते हैं ना और फिर सबको मजबूर करते हैं कि तुमको मानना पड़ेगा, और नहीं तो फिर गजवाए इटली, गजवाए लंदन, गजवाए अमेरिका, गजवाए हिंद। मोहम्मद शामी नाम है ना इनका जो जिन्होंने निकाला है फतवा, मोहम्मद शामी बहुत ट्रेंड कर रहे हैं बाय द वे। ऑन अ कंक्लूडिंग नोट नाजिया, आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ का एक्शन क्या होगा, क्योंकि सहारनपुर का है, देवबंद का है, बाय द वे इनका नेपाल में बहुत अच्छे अच्छे कनेक्शन है, ISI तो इनका जुड़वा भाई है, मैं और इससे ज्यादा क्या समझाऊं, तो आपको लगता है कि क्या एक्शन आएगा ATS का सेंटर बना देने से, अगर फतवा हम नहीं रोक पा रहे इसका मतलब तुड़ाई और ज्यादा बाकी है अभी। जी कानून को स्ट्रिक्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मैं फिर से कहूंगी स्टिल आई एम स्टक विद माय अर्लियर स्टेटमेंट के जितने लोगों को बेल के थ्रू छोड़ा गया है उन सबको दोबारा लॉकअप किया जाए और कानून को और भी सख्त बना करके दारुल उलूम, क्योंकि पहले ही ये चीज ऑन डॉक्यूमेंट आ चुका है कि वो इलीगल है, अवैध है, बुलडोजर कार्यक्रम 24 घंटे के अंदर स्टार्ट कर दी जाए, क्योंकि ये बात भारत की है, भारतवासियों की है, भारत के सुकून की है, भारत के मान सम्मान की है, यहाँ के संस्कार की है, यहाँ के सिविलाइजेशन की है, यहाँ के प्रथा की है, यहाँ की संस्कृति की है, और जिनको भी जिस दारुल उलूम को, जोड़ा अवेसी को, बुखारी को, मदनी को, जिसको भी ये सारे काम करने हैं, पास में अटारी बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर है, वहां जाकर के करो, वहां पे सब बम फोड़ रहे हैं, आप भी फोड़ो, क्या दिक्कत है, पाकिस्तान में सब फोड़ रहे हैं, आप भी फोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत संवैधानिक देश है और जो कोई भी संविधान के परे जाएगा उसके लिए हथकड़ी और जेलखाना तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल
दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें नाज़िया खान जी ने इन भारत विरोधियों या खासकर कहें सनातन के विरोधियों, ये जो दारुल उलूम इस्लाम के जो ठेकेदार हैं, ये जो मजहब के ठेकेदार बनते हैं, इनकी अच्छे से बैंड बजाई और इनको इनकी औकात दिखा दी। और आप देख रहे हैं इन एहसान फरामोशों को, इन नमक हरामों को, ये भारत में रहते हैं और भारत को ही तोड़ने की बात करते हैं। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी दमदार और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।